हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाजार लोक सिंह राजपूत में। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत सारी ऐसी खबर आ रही है कि बढ़ने वाली रिटायरमेंट एज, पूरी जानकारी आपको दी जा रही है क्या वाकई में रिटायरमेंट एज बढ़ने वाली है, क्योंकि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये सारी चीजें आ रही है, चाहे वो बड़े बड़े न्यूज पेपर्स हो चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए हमारे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आपको हम लेके चलते हैं कुछ पर्टिकुलर न्यूज पर। आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की ये बड़ी न्यूज आ रही है, आप देख सकते हैं कंसिडर रेजिंग रिटायरमेंट एज इकोनॉमिक सर्वे। आप टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आया हुआ है, इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज कुड बी कंसिडर्ड सेज इकोनॉमिक सर्वे। यानी कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि वाकई में जो इंक्रीज जो आपकी एज है वो इंक्रीज की जानी चाहिए। तो हम पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। देख सकते हैं आप जीवन प्रत्याशा में इजाफे की वजह से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए, आर्थिक सर्वे में बोला गया है। जो संसद ने 5 जुलाई को निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसमें ये सारी चीजें कही गई थी। चलिए न्यूज पूरी देख लेते हैं। संसद में गुरुवार को पेश हुए आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि भारत में महिला और पुरुषों की उम्र प्रत्याशा लगातार बढ़ रही है, अन्य देशों के अनुभव के आधार पर पुरुषों और महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी पर विचार किया जा सकता है। और इसके अलावा ये सकते हैं इसमें हाईलाइट्स में समर्थन में जो भी जर्मनी, अमेरिका, यूके, चीन, जापान सहित कई देशों का उदाहरण भी दिया गया, क्योंकि वहाँ पर रिटायरमेंट एज अलग अलग है, 60 साल से ज़्यादा है। यह पेंशन सिस्टम में व्यावहारिकता बढ़ाने की कुंजी है, एडवांस में योजना बनाने की आवश्यकता है। बढ़ती हुई वृद्ध जनसंख्या में पेंशन फंडिंग पर बढ़ते दबाव के कारण कई देशों ने जो रिटायरमेंट की एज बढ़ाई है। नई दिल्ली की एक खबर आ रही है, देश में रिटायरमेंट की उम्र 70 साल हो जाएगी, मोदी सरकार यदि मुख्य आर्थिक सलाहकार KB सुब्रमण्यम और उनकी टीम के सलाह पर आगे बढ़ती है तो यह संभव है। गुरुवार को राज्यसभा में पेश आर्थिक सर्वे में ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि इसके समर्थन में जर्मनी, अमेरिका, यूके, चीन, जापान सहित कई देशों का उदाहरण भी दिया गया है। जीवन प्रत्याशा में इजाफा है वजह, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में महिलाओं और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लगातार बढ़ रही है, अन्य देशों के अनुभव के आधार पर पुरुषों और महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी पर विचार किया जा सकता है। यह पेंशन सिस्टम में व्यवहारिकता बढ़ाने की कुंजी है और यह महिला श्रम बल के पुराने आयु समूह में पेंशन की भागीदारी को बढ़ाएगा। रिटायरमेंट उम्र में वृद्धि अनिवार्य है, इसके लिए परिवर्तन के एडवांस में संकेत देना आवश्यक है, इससे पेंशन और अन्य रिटायरमेंट प्रावधानों की अग्रिम योजना में मदद मिलेगी। कुछ उदाहरण भी दिए गए थे वहाँ पर, बढ़ती हुई वृद्ध जनसंख्या और पेंशन फंडिंग पर बढ़ते दबाव के कारण बहुत से देशों ने पेंशन योग्य रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों ने रिटायरमेंट उम्र को बढ़ा दिया है। कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके महिलाओं को पुरुषों से जल्दी सेवानिवृत्त कर देते हैं, लेकिन अब दोनों के रिटायरमेंट की उम्र बराबर करने के लिए उन्होंने नियमों में बदलाव किए हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज का जो रिटायरमेंट एज है वो आप देख सकते हैं। सर्वे में कहा गया है कि कई विकसित देशों जैसे कनाडा, जर्मनी, यूके और अमेरिका ने प्री सेट टाइमलाइन के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाते रहने के संकेत दिए हैं। उदाहरण के लिए यूके में 2020 तक राज्य पेंशन उम्र पुरुषों और महिलाओं के लिए 66 वर्ष हो जाएगी। आगे यूके की सरकार 26-28 में 67 और 2044 से 2046 में 68 वर्ष करने की योजना बना रही है। आप देख सकते हैं इसमें जर्मनी, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान में गए, जिससे क्या चीज़ें फर्क पड़ेगा देख सकते हैं आप। जनसंख्या वृद्धि दर में होगी गिरावट, आर्थिक समीक्षा में भारत की जनसंख्या पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि आने वाले 2 दशकों में देश की जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी गिरावट होगी। जनसंख्या वृद्धि दर 2021 और 31 के दौरान 1% से कम और 2031 से 41 के दौरान 0.5% से नीचे रहेगी। समीक्षा के अनुसार पूरे देश के लिए युवा आबादी का लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ राज्यों 2030 तक बुजुर्ग आबादी की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। जनसंख्या में 0 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की संख्या 2011 के उच्चतम स्तर 41 से घटकर 2041 में 25% रह जाएगी। दूसरी ओर आबादी में 60 वर्ष आयु वाले लोगों की संख्या 2011 के 8.6% से बढ़कर 2041 तक 16% पर पहुंच जाएगी। कामकाजी आबादी 2021 से 31 के बीच 97 लाख प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगी और 2031 से 41 के बीच 42 लाख प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ेगी। अगले 2 दशकों में जनसंख्या और लोगों की आयु संरचना के पूर्वानुमान नीति निर्धारकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, वृद्धों की देखभाल संरचना, स्कूल सुविधाएं, सेवानिवृत्ति से संबंधित वित्तीय सेवाएं, पेंशन कोष, आयकर राजस्व, श्रम बल, श्रमिकों की हिस्सेदारी की दर और सेवानिवृत्ति की आयु जैसे मुद्दों से जुड़ी नीतियां बढ़ाना एक बड़ा काम होगा। यानी कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने और अगर
जो आर्थिक सर्वे पेश हुआ है उसकी वजह से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं इसमें 70 साल मोदी की टीम, मोदी सरकार की जो है 70 साल एज कर सकती है, ऐसा जो आर्थिक सलाहकार है वो के बी सुब्रमण्यम, उनकी टीम इस पर आगे काम कर रही है, ऐसा ऐसा गुरुवार को राज्यसभा में आर्थिक सर्वे में कहा गया है। क्योंकि बहुत सारे देश इसका समर्थन भी करते हैं, चाहे वह जर्मनी हो, अमेरिका हो, यूके, चीन, जापान, जो भी विकसित देश हैं वो सारी चीज़ें ये सारे काम कर रहे हैं। तो आगे जो भी न्यूज़ आएगी इससे रिलेटेड, डायमंड एज से रिलेटेड, हम आपको जरूर अपडेट कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में।